एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज। मैं शिल्पी त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार उठवाल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं गांव के बारे में। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि गाँव जो ग्राम पंचायत की स्थितियाँ हैं वो आज भी वही हैं जो पहले हुआ करती थी। सरकारें बदलती रहती हैं फिर भी स्थितियां गांव की वही जैसी थी वैसी ही रहती हैं, इसका कारण क्या है? नहीं, हमारी सरकार में बदली है, स्थिति बदली है। अब देखिए, पहले सरकार आई है स्वच्छ भारत मिशन की तरह, जो खुले में सोच करते थे गांव में, आज वो खुले में सोच भी मुक्त हो रहे हैं। काफ़ी लोग, पूरे प्रदेश में असर हो रहा है प्रधानमंत्री उसका योजना का। गाँव में खुले में सोच, अब शौचालय बनाए जा रहे हैं, घर घर जाकर हम पैसा दे रही सरकार हमारी, उनके खाते में 8-8 हज़ार रुपये भेज रहे हैं और गांव में बन रहे हैं ग्राम पंचायतों में शौचालय। जो जैसे शौचालय की बात आपने जो कही है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है वो ग्राम निधि से दिया जाता है, तो जो पैसा दिया जाता है वो जो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट क्यों नहीं दिया जाता है पैसा? नहीं, लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट भी दिया जा रहा है, डायरेक्ट भी दिया जा रहा है। पहले प्रधानों को दिया जा रहा था, उनसे हटाकर अब डायरेक्ट उनके लाभार्थी खाते में पैसा दिया जा रहा है, 3 किस्तों में दिया जा रहा है। विधायक जी, ये बात है कि जैसे आपकी सरकार में कहा गया था कि जो गांव है वो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, किसानों की जो दुर्दशा है, पहले किसानों का गन्ना ही मूल्य ले लीजिए, काफ़ी सालों का उनका बेचारा गन्ने का पेमेंट नहीं होता था किसानों का। आज हमारी जब से सरकार आई है, मेरे यहाँ 2 मिलें हैं गन्ना की, बहुत पैसा कर जाता, आज उनके पूरा पेमेंट कर दिया है दोनों मिलों में। और गाँवों में जो किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो बिजली की थी, बिजली पिछली सरकारों में आती थी नहीं, आज हमारे सरकार ने 18 घंटे बिजली गाँवों में दे रखी है, 24 शहर में है, और आज किसान अपना खेती अपना ट्वेल आराम से चला रहा है, बहुत खुश है इससे। लेकिन कई प्रदेशों में तो ऐसा है कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है ना। फ्री से तो है नहीं, मतलब उनका यूनिट कम है, उनका 1 रुपया कुछ पैसे पे, 6 रुपये कुछ पैसे पे यूनिट दे रहे हैं। विधायक जी, ये जैसे आपकी जब सरकार बनी थी तो जो वादे किए गए थे कि ये सब हम सारी व्यवस्था कराएंगे, हर रोजगार को, मतलब जो बेरोजगार हैं युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, इस पर अभी तक कोई नतीजा देखने को नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? देखिए, अभी हमने हमारी सरकार ने पुलिस में भर्ती खोली है, बेरोजगारों को काफ़ी पुलिस में भर्ती इंटरव्यू चल रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आज जो सरकार है हमारी, अभी 2 दिन पहले लखनऊ में न्यूज़ लगाया था हम लोग, जो लोग यहाँ उद्योगपति काम नहीं करना चाह रहे थे, आज अपने प्रदेश में खुशहाली है, आज पुलिस शासन का राज है, आज जो गुंडे थे वो सब लोग या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर अपना ऊपर चले गए। आज जो उद्योगपति हैं सब हमारे प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, यूनिवर्सिटी 2 दिन का चला है, अब इसमें बहुत जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा जब उद्योग लगेंगे। जैसे आपने कहा कि जो पुलिस की भर्ती है उसमें फॉर्म निकले हैं तो लोगों ने भरे हैं, जो फॉर्म निकलते हैं वो तो भरे जाते हैं, उसके बाद जब सरकार बदल जाती है तो उस पर रोक लग जाती है, इसकी कोई वजह? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो सरकार भी 1 साल भरे हुए, 4 साल है, 4 साल के अंदर अभी कुछ समय में ही आपको भर्ती उनको लेटर दिए जाएंगे। जो अगर शिक्षा की बात करें तो गाँव के जो स्कूल हैं उसमें अभी तक कोई टीचर वगैरह नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है, इसका कारण? देखिए, गांव में टीचर नहीं है तो मैं मानता हूँ आपकी बात, मगर हमारी सरकार इसमें जल्दी टीचरों को भर्ती करेगी। और इसमें जो साफ़ सफाई की बात है, उसमें साफ़ सफाई गाँवों में, मैं भी जाता हूँ गाँवों में, साफ़ सफाई में जो है क्षेत्र में स्कूलों में भी भर्ती नहीं हुई थी सफाई वालों की, अब उसमें जो ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई है तो उनसे स्कूलों में सफाई कराई जा रही है। और एक चीज़ हो रही है, ग्रामों में हमारी सरकार ने भी यूनिफॉर्म दिए हैं, किताबें बांटी है फ्री, जो ड्रेस दी है, ये सब ग्राम पंचायतों के लिए तो दिए हैं जो गरीब। और एक और योजना हो रहा है हमारी सरकार ने दिए, हर ब्लॉक स्तर पर 5-5 इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए जा रहे हैं, जो एक कक्षा 1 से 5 तक होते हैं बेसिक शिक्षा, वे इंग्लिश मीडियम बनाए जा रहे हैं, उनको जल्दी 2-3 महीने के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी। जो बच्चा शहर में अपना इंग्लिश मीडियम को मरमर फिरते हैं, गरीब बच्चा जाता था उसे इंग्लिश मीडियम में दाखिले नहीं मिलते थे, अब वो व्यवस्था उनको उनके गाँव में मिल जाएगी, ये हमारी सरकार करने जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी कि स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो वापस पूरी की जाए, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, कितना टाइम चाहिए सरकार को? सरकार को देखिए, काम कर रही है सरकार, काम करने में तो समय लगेगा ही, अभी
बजट चल रहा है, इंटरव्यू होंगे, फिर वैकेंसी देखेंगे। मगर हाँ, इतना जरूर है बीए लॉस किसी से, कोई किसी गरीब आदमी भी इसमें जो शिक्षा में है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी मिलेगी और कोई रिश्वतबाजी नहीं होगी। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी दी जाएगी, ये बात है। तो ये लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है, मैंने एक दो प्रधान से बात की, मैं सॉरी विधायकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हर जो शिक्षित व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिल सकती। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको नौकरी मिलेगी, और किसको मिलेगी? जो आपके हिसाब से, जो आपकी सरकार इस टाइम पे है, आपका ये कहना है कि हर जो शिक्षित आदमी है उसको नौकरी दी जाएगी, सभी को दी जाएगी ना? लेकिन जो बहुत सारे विधायक हैं वो कहते हैं कि मतलब जितने भी शिक्षित लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, इसका क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे विधायक कह रहे हैं, मैं नहीं मानता उसको। जो शिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके हिसाब से उनको भी नौकरी दी जाएगी। मिलों में उनका काम उस हिसाब से उनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी जो है उसके लिए हमारे सबके लिए दी जाएगी, इसमें कोई हमारा किसी बिरादरी किसी उससे में नहीं काम होगा, सबके लिए काम किएंगे। आपकी सरकार सबके लिए समान काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। आप हमारी ग्रामीण जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारे मेरी ग्रामीण जनता के लिए, मैंने अपनी विधानसभा में सुबह 11 बजे तक मैं अपना ऑफिस बैठता हूँ, उसके बाद मैं पूरे गाँव में रहता हूँ। अभी मैंने ग्राम पंचायतों से जो ये लाइटें हैं, ये लाइटें लगवाई, सड़कें बनवाई, अभी सब हमारा जो अंतिम काम है सब गृह, मैंने अभी अपने भूपेंद्र जी से कई सब घरों में काम कराया ग्राम पंचायतों में, और ग्राम पंचायत के स्तर से ही हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जैसे बिजली, अभी हमने गरीबों को, बेचारों को बीपीएल का, गरीबों को मीटर नहीं थे, उनको मुफ्त भी मीटर लगाए, बिजली के कनेक्शन दिए, आवास, प्रधानमंत्री आवास दिए गरीबों को, काफ़ी काम किया है गरीबों के लिए, पंचायतों में ही कर रहे हैं। शहर में तो देख लिए, अब शहर में तो ऑटोमेटिक लोग रहे हैं, जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो बिल्कुल गरीब तक है, उन लोगों तक कार्य कर रही है हमारी सरकार। आवास है, बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, पेंशन है, ये सब ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं हम लोग। अच्छा विधायक जी, बहुत सारे प्रधानों का ये कहना है कि वो गाँव का विकास तो करना चाहते हैं लेकिन उन तक फंड नहीं पहुँच पाता, इसकी कोई वजह? मेरी विधानसभा में तो अपनी विधानसभा कर रहा हूँ, सब ग्राम पंचायत प्रधानों को फंड पहुँचा हुआ है, बल्कि उनको मैंने हिदायत दी थी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग, सभी लोगों ने आपको वोट दिए, वे क्या करते हैं प्रधान लोग कि जिस मोहल्ले गली में वोट देते हैं उन पर काम कराते हैं। हम उन्हें भी, हमारी सरकार ने, हमने भी कहा कि वोट सबने दिए हमें, चाहे जिसने वोट नहीं दी हमें उसका भी काम करना है, जिसको जिसने वोट दी उसका भी काम करना है। आपके हिसाब से ग्राम पंचायत क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायत बहुत मायने रखती है हमारे हिसाब से। ग्राम पंचायतों से नीचे से ही हम ऊपर चले आएंगे, ग्राम पंचायतों नीचे से सड़कों से नीचे ऊपर तक जाएंगे, जब तो उनमें ग्राम पंचायत में काम हो रही है। अब किसान है, किसान अपना खेती बोएगा ग्राम पंचायत में, बोएगा शहर में थोड़े बोएगा। गन्ना है, गन्ना में ही लगाएगा, पंचायतों से बहुत है। अभी हमारे यहाँ वो रवजाए हैं, अच्छा जोड़ हैं, उन पर सब कार्य कर रहा है ग्राम पंचायत के माध्यम से। हम लोग सौंदर्यीकरण बना रहे हैं, जिन्होंने जमीन कब्जा रखी थी गरीबों की उनको जमीन दिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार उठवाल जी, जिन्होंने बताया कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उन सबको नौकरी दी जाएगी, इनका ये कहना है। इनकी सरकार की तरफ से इन्होंने ये हमें संदेश दिया है। आगे भी हम आप प्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। आज के लिए ABPS न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।